जबलपुर में गणेश उत्सव पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस बार भगवान गणेश की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं विराजित की गई हैं। वहीं गणेश दर्शन के लिए निकलने वाले लोगों को मालवीय चौक पर कुछ अनोखा ही दिख रहा है। यहां पर खुद गजराज गणपति के प्रतिनिधि बनकर खड़े हुए हैं और लोग गजराज को प्रसाद भी दे रहे हैं और उनसे आशीर्वाद भी ले रहे हैं। ये गजराज टीकमगढ़ से जबलपुर आए हैं। इनको लाने वाले महावत का कहना है कि यह पहला मौका है जब उन्हें गणेश चतुर्थी पे इस तरह अपने हाथी को गणेश पंडाल के बाहर खड़े करने का मौका मिला है। टीकमगढ़ से आए हैं सब, टीकम यहाँ बुलाया है हमें साहब ने, किसी ने बुलाया है अपने, ये साहब क्या नाम है उनका पंडित जी का, इन्हें गणेश चतुर्थी को उसमें बुलाया है। भक्त लोग आ रहे हैं, फल फूल खिला रहे हैं, गन्ना खिला रहा है, कोई केला खिला रहा है, कोई खरबूज खिला रहा है, हाँ आशीर्वाद दे रहे हैं। शिव प्रसाद अपने बीच में हाथी को पाकर सबसे ज्यादा रोमांचित बच्चे हैं। वे अपने हाथ से हाथी को भोजन करवा रहे हैं। वहीं श्रद्धालुओं का कहना है कि गणेश पूजन के दौरान हाथी की पूजा करना अच्छा माना जाता है, इससे अच्छे फल मिलते हैं। बहुत अच्छा अनुभव है, इस पूरी संस्कार धानी के लिए बहुत अच्छा अनुभव है, क्योंकि गणेश जी को गजानन के रूप में हम सभी अपने घरों में भी बिठाते हैं और गजानन स्वयं मालवीय चौक में हम सभी के बीच आए हैं, तो एक बहुत ही प्यारी अनुभूति जो हमें यहाँ देखने को मिल रही है। दिव्यांकिता, गणेश पूजा में यह एकदम नया प्रयोग है जो सफल भी नजर आ रहा है और लोग भी इसका आनंद उठा रहे हैं। लेकिन भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक जंगली जानवर का इस तरह खड़ा होना खतरे से खाली भी नहीं है। विश्वजीत सिंह, इति विभारत, जबलपुर।